नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कविताज क्रिएटिव गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी छोटी सी प्लांट की शॉपिंग जो मैंने अपने लोकल नर्सरी से मैंने परचेज किया है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है इन सभी प्लांट्स का। तो मुझे ये सब प्लांट्स मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, लेकिन हमारे अगल बगल ना कोई पार्क है और ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये सभी प्लांट्स बड़े वाले, चूँकि चंपा का प्लांट बड़ा होता है तो हमें यहाँ पे अगल बगल कहीं भी ये प्लांट्स नहीं मिलते, इस वजह से हमें ख़रीदना पड़ जाता है ये प्लांट। तो मुझे बहुत दिनों से चाहिए था वाइट चंपा का प्लांट, और इसका एक बहुत सारे कलर होता है, लेकिन मेरे पास ये प्लांट मुझे बहुत दिनों से चाहिए था, तो मुझे ये प्लांट मिला है 80 रुपीज़ का। और चंपा को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। और देखिए, ये दूसरा प्लांट है मेरा, ये पोर्चुलाका का, इसमें 3 कलर का फ्लावर है इसमें, अभी चूँकि इसमें अभी नहीं फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन इसमें मैंने फ्लावर जब लिए थे तभी था। और देखिए, लाने में थोड़ा सा टूट भी गया है इसके फ्लावर्स, तो इसमें पिंक वाइट और दोनों का मिक्स कलर का भी फ्लावर इसमें है। तो एक ये मुझे पड़ा 30 रुपीज़ का। और एक प्लांट है ये, देखिए ये है अजवाइन का प्लांट, इसे अजवाइन का प्लांट बोलते हैं, लेकिन इसका जो असली नाम है वो है कर्पूर वल्ली। और इसमें इसके पत्तों से जो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, यानी इसमें जो है इसकी जो खुशबू होती है वो अजवाइन से मिलती जुलती खुशबू आती है इसमें, लेकिन इसमें अजवाइन नहीं फलता इसमें। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत ही मेडिसिनल प्लांट है ये। तो अभी बस मैं आपको इसका प्राइस बताती हूँ, ये मुझे पड़ा 40 रुपीज़ का ये प्लांट। इसको आप कटिंग से भी आप तैयार कर सकते हैं, कटिंग से बहुत इजीली ये ग्रो हो जाती है। और देखिए, चौथा प्लांट है मेरा एक सोड़ा का, और देखिए तो देखिए, और चौथा प्लांट मेरा ये एक्सोरा का प्लांट है, ये वाइट वाली वेराइटीज़ है, देखिए वाइट कलर का, जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा इसके फ्लावर्स। और मेरे पास वाइट एक्सोरा का हाइब्रिड वाला प्लांट है, लेकिन उसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो मुझे ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगा। और इसके पत्ते भी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो ये प्लांट मुझे पड़ा 80 रुपीज़ का। तो इनको आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आपके गार्डन में एक बार ये प्लांट लग जाता है तो आप एक से बहुत ही ज़्यादा प्लांट तैयार कर सकते हैं बाय कटिंग। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की छोटी सी शॉपिंग प्लांट की। मेरे पास चंपा के और भी प्लांट्स हैं जिसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो सारे प्लांट, इन सभी को मैं आज तो नहीं, बस 2 दिन बाद मैं इनको फिर रिपोर्ट करूँगी। और देखिए, मेरे पास एक प्लांट है ये चंपा का, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, तो अभी इनकी ये प्लांट मेरा एक लगभग 1 साल का है ये प्लांट। मैंने पिछले रेनी सीज़न में इस प्लांट को नर्सरी से लेके आई थी 80 रुपीज़ में, तो तब इसमें पिछले साल भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई थी, और इस साल अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है क्योंकि मैंने इनको एक बार भी रिपोर्ट नहीं किया है, और इनको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि इनकी रूट बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इस वजह से इसमें फ्लावरिंग भी नहीं आ रही है। तो अभी चूँकि हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है, तो रिपोर्टिंग वाला काम अभी मैं नहीं करूँगी, मौसम अगर अच्छा हो जाए फिर मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। और ये देखिए, अरबी के पत्ते हैं इस जगह, और बोगनविलिया, तो सभी प्लांट्स मेरे इस जगह रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, आप चंपा को बाय कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, नाग चंपा का प्लांट, इनको भी आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा वाइट कलर के, बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावरिंग होती है, साथ ही इसके पत्ते भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो इनको भी मैंने, मेरे पास ज़्यादातर प्लांट नर्सरी के ही हैं। और ये देखिए, लेमन ग्रास, इनको भी मैंने पिछले साल 40 रुपीज़ में मैंने लिया था, और ये देखिए अब ये कितना घना और कितना बड़ा सा हो गया है ये प्लांट, और इनको मैंने बस ग्रो बैग में मैंने लगाया है। तो किसी भी प्लांट को अगर आप ग्रो बैग में लगाते हैं तो प्लांट को जो है ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, साथ ही उनकी रूट्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से फैलती है। और ये वाला एक जोड़ा पिंक कलर का, ये हाइब्रिड वाली वेराइटी से, इनमें बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है,
और मेरे सारे फ्लावर्स जो है वो सूख गए हैं, तो सबको मैंने पिंचिंग वहाँ से मैं कट कर देती हूँ। और ये रेड वाली जोड़ा देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है ये प्लांट हमारा। तो फ्रेंड्स एक्सोडा का प्लांट आप बाय कटिंग भी तैयार कर सकते हैं और ये इनका परफेक्ट टाइम है फ्लावरिंग का। और अगर ये एक बार अगर खिल जाते हैं तो बहुत दिनों तक प्लांट के ऊपर बने रहते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें आप। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। एंड फ्रेंड्स आप भी इस तरीके के प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।